नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक भारत के हित में देखें तो बहुत ही फायदेमंद न्यूज़ निकल के आई है। न्यूज़ ये आ रही है कि पेंटागन उसे रिक्वेस्ट भेजे यूनाइटेड एयरफोर्स ने, यूनाइटेड स्टेट के एयरफोर्स ने, कि वो जो उसके ग्लोबल हॉक का बेड़ा है उसे कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब अमेरिका इतने ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं कर रहा है, इतने ज़्यादा स्पाइंग में इतना इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं जो ग्लोबल हॉक जो ड्रोन है, दुनिया का सबसे अच्छा जासूसी ड्रोन माना जाता है, सबसे अच्छा जासूस कहा जाता है इसे, एक तरीके से उड़ता हुआ जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री में, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं। तो फिलहाल अमेरिका इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो यूएस एयरफोर्स का कहना है कि वो यहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा उनका बजट खर्च होता है इन्हें मेंटेन करने में, तो इसके साथ ही कुछ और भी करेंगे, लेकिन कुछ मतलब कि दूसरे प्लेन्स भी हैं उनके जिन्हें वे रिटायर करना चाहते हैं, तो इसे भी चाहते हैं कि इसे हटा दिया जाए, मतलब कि बेड़े से करीबन 34 ऐसे ड्रोन है जिन्हें हटाना चाहते हैं, और एक ड्रोन की कीमत करोड़ों डॉलर होती है, आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। तो इसी को देखते हुए भारत के लिए फायदेमंद खबर क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो भारत के लिए फायदेमंद सबसे बेहतरीन चीज़ ये होने वाली है कि भारत इन्हें एक्वायर कर सकता है, वो भी बिल्कुल इन करोड़ों के डॉलर के ड्रोन को फ्री के। इससे पहले भी भारत बहुत सारे ऐसे ही वेपन्स अमेरिका से ले चुका है। आपको बता दूं कि एक वेपन हमने अमेरिका से ख़रीदा था, INS जलस्व को हमने 2005 में अमेरिका से ख़रीदा था सिर्फ $60 मिलियन में, और आपको बताऊं कि वो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी $600 मिलियन। लेकिन अमेरिका अपने जो एलाइज कंट्री है उन्हें, या जिन्हें फ्यूचर में अपना एलाइज देखता है, उन्हें इन जो उसके पास एक्स्ट्रा वेपन्स होते हैं इन्हें इस तरीके से निकाल कर उन्हें देता रहता है, जिससे कि उनकी भी मदद हो और उसकी जो समस्या है बजट की उसे भी कम किया जा सके। तो ये जो अगर भारत को मिलता है तो बहुत अच्छी डील होगी। दुनिया का सबसे आज की तारीख में जासूसी नहीं, हर तरह का सबसे एडवांस ड्रोन है, लेकिन बस दिक्कत इसमें एक ही लगती है मुझे कि अनआर्म ड्रोन है, मतलब कि ये अपना अगर कि दुश्मन देश ने इसे देख लेना तो ये अपना बचाव कर सकता है, नहीं दुश्मनों को देखने के बाद उन्हें मार गिरा सकता है। जैसे कि अभी एक हमारे मिलिट्री रिटायर जनरल है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिन्होंने इस मुद्दे को प्रकाश में लाए हैं, वे कहते हैं कि भारत प्रीडेटर ड्रोन ना खरीद कर इन्हें खरीद ले। लेकिन मुझे और बहुत से लोगों को भी ये लगा कि देखिए, प्रीडेटर ड्रोन भारत इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक ड्रोन है, यानी अगर वो दुश्मन को देखता भी, हाँ ये बात है कि उसकी जो एक तरीके से जो सेंसर्स हैं वो MQ जो ये हॉक है इससे काफ़ी कम है, लेकिन उसकी जो अटैकिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ग्लोबल हॉक वहाँ पर काम आएगा, जैसे कि चीन के वे एरिया जहाँ पर चीनी आर्मी का लगातार भारत के प्रति बढ़ता प्रभाव, इसके अलावा जो सी है, जो हमारा समुद्री जल सीमा है, उसे एक तरीके से कवर कर देगा। आपको इसकी रेंज बता दूं, ये 30 घंटे उड़ सकता है, वो भी कितनी, 60,000 फीट की लगातार ऊंचाई को मेंटेन करते हुए। ये बहुत ही अच्छी इसकी किसी भी ड्रोन की सबसे अच्छी यही चीज़ होती है, ज़्यादातर जो फाइटर जेट होते हैं वो 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन ये 60,000 फीट तक जा सकता है, और हाँ 30 घंटे तक एक बार रिफिलिंग में लगातार उड़ सकता है। जो एक तरीके अगर दुश्मन देश ने मार भी गिराया तो इसमें तो हमारे किसी पायलट के जान माल का नुकसान होना ही नहीं, क्योंकि एक तरीके से अनआर्म एक जो UAV ड्रोन है इसमें किसी पायलट का कुछ काम नहीं होता, तो अच्छा ड्रोन है। बस एक अगर ये आर्म ड्रोन होता तो और अच्छा होता, लेकिन हर एक चीज़ में सारी चीज़ नहीं होती, जैसे कि प्रीडेटर में सबसे अच्छे ज़्यादा सेंसर नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि उसमें हथियारों के लिए भी जगह बनाई जा सकती है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत से लोग जरूर पूछेंगे कि ये क्या यही ड्रोन है जो ईरान में मार गिराया था। जी हाँ, ये वही ड्रोन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान ने इसे, बस इसमें यही कमी है, अगर इसे पहली बार तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पकड़ लिया तो अगर इसे मार गिराया जा रहा तो इस पर मिसाइल से निशाना साधा जा रहा है, तो ये अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। प्रीडेटर ड्रोन इस अपना बचाव भी कर सकता है, इसलिए भारत उसे खरीद रहा है। इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे कि जनरल साहब ने लिखा कि भारत जो प्रीडेटर ड्रोन है उन्हें ना खरीद कर MQ खरीद ले, पैसे बचेंगे। तो देखिए, पैसे तो बचेंगे, लेकिन USA भारत को इन्हें लगभग फ्री कॉस्ट में देगा, 10-15% जो इसकी टोटल कॉस्ट है उसका 10-15% में भारत को देगा, तो भारत के बजट पर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा भारत को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन मिल जाएगा काफ़ी सस्ते में, भारत के लिए डील एकदम ओके है। ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट इस डील, अगर फरवरी में पेंटागन इन्हें रिटायर करने का एक तरीके से नए ड्रोन ही ज़्यादा, जो ये 35 ड्रोन आपको बता दूँ जो US एयरफोर्स निकालने वाली है, ये ज़्यादा चले हुए नहीं है, पाँच सात साल चले हुए ज़्यादा ड्रोन, इतने ड्रोन चले हुए हैं, इसके अलावा ज़्यादा ड्रोन ये नहीं चले हुए, तो यानी कि अच्छी डील हो सकती है, अच्छी कंडीशन में है, सब कुछ ओके है। बस कई लोग कह रहे थे कि जी क्यों निकाल रहे हैं, जब इतने अगर अच्छे हैं तो इन्हें निकाल क्यों रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इनके पास ओवर ड्रोन्स हो गए, मतलब कि जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं दुगने तिगने इनके पास है, इनके पास ये 1/3 निकाल रहे हैं, मतलब कि इनके पास 100 से भी ज़्यादा हैं, ज़रूरत ही नहीं, करीबन 60-65 की थी, तो इसलिए वे 30 से 35 को निकाल देंगे।
बाकी को अपने पास रखेंगे, जरूरत होगी तो फिर बना लें, क्योंकि उनका जो मिलिट्री बजट है भारत के मिलिट्री बजट से करीबन 6 गुना ज़्यादा होता है। हमारा 50 का होता है, उनका करीबन $600 बिलियन का होता है, तो ये जरूरत के हिसाब से अपने हिसाब से बना लग सकते हैं। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी डील है, भारत अगर चाहे तो इसे ग्रैब कर सकता है, और भारत आज की तारीख में काफ़ी अच्छा अलाई है यूएसए का, तो भारत को एक अच्छी डील मिल सकती है। हालांकि आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस डील को ले लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हम 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बहुत करीब हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के बाद फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।